इंडिया की एक ऐसी बाइक है ना जहाँ पे आपको 160 सीसी के सेगमेंट में होने के बावजूद भी आपको 60 का माइलेज, अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है ना वो सारा कुछ हम कवर कर लेंगे। E20 OBD2 कंप्लायंट के साथ BS6 PS2 मॉडल, जिसको बहुत लोग अभी अभी BS7 भी बोल रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो प्राइस हो जाता है 1,35,000 ऑन रोड प्राइस झारखंड रांची में। तो पहला फर्स्ट लुक से बात करेंगे तो बाइक का वेट ना हो जाता है 140 kg अप्रोक्स, और यहाँ पे मिलता है 162 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक में, और मैक्सिमम पावर का बात करें तो 13 PS का मैक्सिमम पावर, 14 Nm टॉर्क यहाँ पे आपको मिलता है। गियर ट्रांसमिशन वगैरह फिफ्थ गियर का ऑप्शन मिलेगा, डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट, मोनो सस्पेंशन आपके पैनल पे देखने के लिए मिल रहा है ना, ये मोनो सस्पेंशन, इसका मतलब होता है ये सस्पेंशन जो इस जगह पे देखने के लिए मिल रहा है ये रेड कलर में, और ये एडजस्टेबल भी है, अपने अकॉर्डिंग इसको जो है ना एडजस्ट भी कर सकते हैं। कीज वगैरह का बात कर ले तो आते हैं हम इसका मीटर कंसोल पे, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एनालॉग में एक एक चीज़। उस टाइम जिससे भी ये लॉन्च हुई थी ना उसमें इसका जो बाइक का एक अलग डिमांडेड था और आज भी है, लेकिन इसका जो लुक है ना मीटर वगैरह सेम अभी भी रखा गया है, क्योंकि ये उस टाइम का ना एक अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे बना रही थी इस बाइक में। एनालॉग में स्पीडोमीटर 160 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पे ऐसे दिया गया है नॉर्मली, और स्पीडोमीटर नीचे ट्रिप, इधर हो जाता है फ्यूल मीटर, इसको ऑन करके दिखाते हैं ये फ्यूल मीटर। इधर मिलता है इंजन चेक लाइट, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल का लाइटिंग, लो बीम हाई बीम का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ABS का भी लाइटिंग मिल जाएगा, ये सिंगल चैनल ABS में फ्रंट में, और यहाँ पे रियर अगर लेफ्ट साइड देखा जाए तो RPM मीटर कीज यहाँ पे कुछ दो कीज कुछ इस तरह का दिया गया सेम, यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे होंडा का एक में स्टिकर किया गया रबर में और बेहतरीन है। अब यहाँ पे जो मीटर देखने के लिए मिल रहा है मीटर कंसोल, उसके नीचे देखने के लिए मिल जाएगा आपको होंडा का देख सकते हैं स्टिकर, और यहाँ पे ट्रिप वगैरह रिसेट करने के लिए जो इस जगह से हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो यहाँ पे इतना सारा कुछ है, तो हम फ्रंट लुक से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट ये विंडशील्ड मतलब जिसको बोला जाता है वाइजर पे होंडा का स्टिकर, और हेडलाइट सेटअप हैलोजिन बल्ब में जो पहले आ रही थी वही है, यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं है, इंडिकेटर भी सेम है बल्ब में ये देख सकते हैं। और नीचे की ओर आते हैं ना तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, और पहले ABS में नहीं आती थी बट यहाँ पे ABS अपडेट कर दिया गया है। टिफिन का डुअल पिस्टन कैलिपर ब्रेकिंग सिस्टम, ABS चैनल सेंसर वगैरह लगा हुआ है, डिस्प्ले का साइज़ देख सकते हैं मतलब मीडियम मीडियम ठीक है। MRF का टायर मिल जाता है इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा आपको ये देख सकते हैं, और यहीं पे अगर हम टायर सेक्शन का बात कर लें तो इसमें मिल जाता है आपको 1800 और 18 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर, बट इसमें एलॉय व्हील में स्टिकर वगैरह तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कलर ग्राफिक्स वगैरह कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक है, और सस्पेंशन भी ठीक, रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। नेक्स्ट राइट साइड इधर आपका लेगार्ड वगैरह लग जाएगा, कैटालिक कन्वर्टर लगा हुआ है ये देख सकते हैं। होंडा का लगभग बाइक में आपको फुटरेस्ट वगैरह फोल्डेबल नॉर्मल बाइक में नहीं मिलता है बट इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, या फुटरेस्ट का बात कर ले तो देख सकते हैं फोल्डेबल है ब्रेक पेडल, और इसमें आपको किक का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब अभी भी इंडिया में एक यही बाइक है जिसमें आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, पहला तो लो प्राइस, दूसरा माइलेज बेहतरीन, तीसरा किक का भी ऑप्शन, तीसरा पावरफुल इंजन, बहुत सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है और बेहतरीन भी है। नेक्स्ट ये सारा कुछ तो हो गया, इंजन में लेगार्ड लग जाएगा, यहाँ पे टैंक पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा देख सकते हैं होंडा का क्रोम में डिजाइनिंग किया गया लोगो, पैनल पे मोनो सस्पेंशन क्रोम डिजाइनिंग इस जगह पे भी, और टेल पैनल पे देखने के लिए मिले यूनिकॉर्न कुछ इस तरह का ग्रे ब्रेल देख सकते हैं ब्लैक कलर में, एल्यूमिनियम की आती है टेल लैम्प इसका देख सकते हैं, बल्ब में दिया गया है गाइज अट्रैक्टिव लुक, रिफ्लेक्टर इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन, तो रियर में आपका ड्रम ब्रेक जो पहले आ रही थी सेम, और टायर सेक्शन 190 और 18 जैपर ग्रिप में फ्रंट एंड रियर, और दोनों का दोनों 18 इंच का आपको देखने के लिए मिलेगा ट्यूबलेस टायर दोनों साइड से MRF का, और देख सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा आपको सस्पेंशन ठीक है। तो ओवरऑल ये सारा कुछ हो जाता है राइट साइड से लुक वाइज, और यहाँ पे एग्जॉस्ट इसका जो पहले आती थी सेम, एग्जॉस्ट वगैरह चेंज नहीं है यहाँ पे, और साइलेंटली होता होंडा का जितना सारा बाइक है ना सब साइलेंट होता, आवाज़ किसी में लाउड नहीं देखने के लिए मिलेगा। और राइट साइड से देखा जहाँ पे तो साइड फुटरेस्ट जहाँ पे आप इसको पर्सनल यूज फैमिली पर्पस कॉलेज पर्पस ऑफिस ऑफिशियल वर्क के लिए हर चीज़ के लिए यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, साइड फुटरेस्ट भी दिया गया है, और फुटरेस्ट ये भी फोल्डेबल, ये भी गियर लीवर पहले डबल आता था आई थिंक अब सिंगल कर दिया गया, साइड स्टैंड ऑटो कट ऑफ का स्विच, और यहाँ पे डबल स्टैंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब इतना सारा कुछ कहाँ मिलता है जब 160 के सेगमेंट में अगर देखा जाए तो नहीं मिल सकता है। और ये अब आ जाते हैं तो सीट सिंगल सीट में, और बाइक जो है ना E20 में भी आ गई है तो जिसको बोला जाता है E20, और ये है OBD2 BS6 Phase 2 मॉडल जिसको बहुत लोग अभी BS7 बोल रहे हैं।
तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे पासिंग का स्विच ये देख सकते हैं, यहाँ पे पासिंग का स्विच, लो बीम हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, यहाँ हॉर्न का स्विच, इधर आपका इंजन किल स्विच मतलब इंजन को ऑफ करने के लिए, ये यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का बटन देख सकते हैं दिया गया है। मिरर आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगा दोनों साइड से, और मीटर कंसोल वगैरह तो सारा कुछ हम बता ही दिए हैं, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम या लेफ्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल का, ABS का, ये आपका स्पीडोमीटर, RPM मीटर, की वगैरह सेम, इतना सारा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको। बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी बेहतरीन होता है, एक एक चीज़ इसका कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, रियर से लेके मटगार्ड फाइबर जो सारा कुछ दिया ना सब के सब बेहतरीन है। और यहाँ पे मटगार्ड ये भी देख सकते हैं प्लास्टिक फाइबर है बट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन, रियर में ड्रम ब्रेक और फ्रंट में डिस्क ब्रेक, तो ये सारा कुछ हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लें बाइक का इंजन से रिलेटेड, तो इसमें मिल जाता है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन, जहाँ पे आपको 162.7 सीसी का इंजन मिल जाता है, और मैक्सिमम पावर का बात करें तो 13 PS का मैक्सिमम पावर और 40 Nm टॉर्क के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला। गियर ट्रांसमिशन टोटल 5th गियर का ऑप्शन मिलेगा, एक डाउन बाकी अप 5, और यहाँ पे इसका ना फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर का, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम FI जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर, और माइलेज यहाँ पे बेहतरीन हो गया गाइस, क्योंकि 160 के सेगमेंट में जितना सारा बाइक है किसी से कंपेयर कर सकते हैं, टॉप स्पीड, पावर, माइलेज, साइड स्टैंड, किक और बहुत सारा कुछ इसमें ओवरऑल देखा जाए तो आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लगती है हमको, साइलेंटली आवाज़ और एक अलग टाइप से बाइक जहाँ पे फुल्ली कंफर्टेबल बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आज भी डिमांडेड है और लेजेंड लोग खरीदते हैं इसको, आपको पता ही होगा, जैसे तो हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यही सारा कुछ हो गया। अब बाइक का फुल वेट ना 140 kg मतलब 140 किलो, तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं लगता, बाइक पे भी बैठ के दिखाते हैं, और सीट हाइट भी कोई खास नहीं, अगर आपका हाइट 5 फीट भी है तो भी आपका नॉर्मल आ जाएगा, ये देख सकते हैं 11,063 है मेरा पैर में, ये देख सकते हैं लेग रूम, मतलब ये जो है ना पैर नीचे आराम से इजीली आ जाता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है। और लुक वाइज भी बेहतरीन लग रही है, अट्रैक्टिव लुक, हैंडलिंग वगैरह काफ़ी बेहतरीन, बैलेंसिंग दिया गया है, मिरर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इसको मगर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि हम कैसे लगेंगे, इसमें हम फेस देख रहे हैं, अब हम बैक देखेंगे, ठीक है, तो अच्छी है। और प्राइस तो हमने बता दिया 135,000, और भी इसमें बहुत सारा कुछ एसेसरीज वगैरह लेते हैं तो मिल जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको लेना है नहीं लेना है। तो आज का रिव्यू यूनिकॉर्न के साथ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दें, और फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो तो उनको शेयर कर सकते हैं, लेना चाहे तो भी उनको शेयर कर सकते हैं, कुछ जानकारी छूट रहा हो तो इंस्टा पे जाकर पूछ सकते हैं, नीचे भी DM कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कन्फर्म की जानकारी देंगे। कोई अदर बाइक का रिव्यू चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिव्यू लेकर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और रिव्यू उसका कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सर कंटिन्यू रिव्यू लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और कार से रिलेटेड जानकारी के लिए RTS वाहन चैनल पर जाना है, वहाँ भी रिव्यू मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।